हाय फ्रेंड्स, मैं कैपिटल अप्लायंस से बात कर रहा हूँ और कोलकाता से बोल रहा हूँ। ये मेरा रिपेयर सेंटर है। आज मेरे पास आया है FND का T60X टावर स्पीकर। इसमें पावर सप्लाई तो ठीक है, लेकिन मदरबोर्ड में कुछ गड़बड़ है। मैं वो गड़बड़ आपको ठीक करके दिखाऊंगा। आप देखते रहिए, पूरा वीडियो देखिए। ये जो है, ये है मेन मदरबोर्ड है। ये मदरबोर्ड में यहाँ पे एक तो IC बैठता है। ये छोटा वाला, छोटा 8 पिन का एक तो IC यहाँ पे। ये छोटा पिन का एक तो IC यहाँ पे बैठता है। तो ये IC आप नया खरीद के लाएंगे तो लगाएंगे तो भी जल जाएगा, क्योंकि ये ठीक होता नहीं है। ये जो IC है, ये जो मैं आपको दिखाऊंगा, ये जो IC है, ये IC मैं यहाँ से उठा दिया है। देखिए, मैं यहाँ पे IC नहीं है, यहाँ पे IC मैं उठा दिया हूँ। इसके बदले में एक तो रेगुलेटेड IC लगाया है। यहाँ से मैं वोल्टेज कन्वर्ट करके यहाँ पे मैं जोड़ दिया हूँ। यहाँ पे जोड़ने के बाद जो मेन वोल्टेज है, मेन वोल्टेज का जो सप्लाई है, मैं यहाँ पे कनेक्ट किया है। ये जो वोल्टेज है, मेन वोल्टेज है 24 वोल्ट। ये वोल्टेज मैंने लगा दिया है। यहाँ पे देखिए IC नहीं है, मैं यहाँ पे उठा दिया हूँ, क्योंकि IC नहीं है। बिना IC से ये काम करेगा। आपको IC खरीदने का कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, मैंने IC उठा दिया, कोई IC नहीं है यहाँ पे। और कनेक्शन देखिए, कनेक्शन में लगा दिया है। ये रेगुलेटेड IC से मैं या से दूसरी तरीके से मैं ये किया। अभी मैं इसको ऑन कर रहा हूँ। देखिए, देखिए मैं ऑन कर रहा हूँ, ऑन हो गया है। साउंड कमा रहा हूँ, अभी साउंड में बढ़ाऊंगा। कर दिया, फिर मैं ऑन कर रहा हूँ। अभी ब्लूटूथ प्ले करना पड़ेगा। गाइस देखिए, ये जो IC है, मैं ये IC में हटा दिया हूँ। ये IC में हटा दिया। ये IC यहाँ पे नहीं है। देखिए, यहाँ पे IC है नहीं। ये पूरा ठीक हो चुका है।
कोई आपका होम थिएटर ऑडियो सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम होगा तो मेरे से कांटेक्ट कर लीजिए, मैं जरूर सॉल्व कर दूँगा, ये वादा है। ओके, थैंक यू वीडियो देखने के लिए।